ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? तो आज वाली वीडियो में आप तो कैसे आ रही भाई? पहले हमने कदम धरा है भाई एंडर ड्रैगन के पास। यस गाइस, आज वाली वीडियो में हम लड़ाने वाले हैं एंडर ड्रैगन वर्सेस आयरन गोलम वर्सेस रेवेंजर वर्सेस वार्डन वर्सेस वीदर शीदर, जो भी भैंस की टांग जो भी अगर साले को भिड़ा के रख देंगे इस वाली वीडियो में। तो यस गाइस, फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि आयरन गोलम वर्सेस एंडर ड्रैगन हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पे तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो भाई साले जे तो एंडरमैन से लड़ रहे हैं एंडर ड्रैगन को, तो हाथ ही नहीं पर लगा पा रहा कोई। पता नहीं गाइस ये क्यों नहीं मार रहे एंडर ड्रैगन को। कोई बात नहीं गाइस, एंडर ड्रैगन की माँ की आंख, तो हम इनके बाद बुलाने वाले हैं रोवेंजर्स। तो भाई जानने के लिए पूरी वीडियो देख के भाई कौन सा वाला जहाँ पे विजेता निकलता है। जो भी विजेता निकलेगा नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उसको भिड़ाने वाले हैं तकड़े 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 से तकड़े मॉब के साथ, समझो जैसे माउंटेड मॉड, मतलब भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मॉड के साथ, समझ रहे हो भाई। मज़ा बहुत ही ज़्यादा आने वाला आज वाली वीडियो में। तो अभी तक तो भाई अगर आपने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना, क्योंकि हम बहुत ही करीब हैं 2000 सब्सक्राइबर के। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ताकि भाई हम जल्दी से जल्दी हमारे 2K कंप्लीट करें और भाई सेलिब्रेट करें और केक कट करेंगे। ठीक है, अगर भाई हम केक कट किया ना भाई, तो भाई मैं ज़रूर डालूंगा भाई यूट्यूब पे। तो यहाँ पे गाइस हम तो भाई पहले पहले भाई हम डालेंगे यहाँ पे, जो डालेंगे नहीं सॉरी तोड़ देंगे भाई यहाँ पे इसके मुठुआ। मुठुआ मतलब भी इसके, मतलब भी जो भी इसके पावर देता है उसको बोलते हैं मुठुआ। भाई साहब जी पावर ना पूरी इसकी पावर ही साली यही है, मुठुआ ही है भाई पावर इसकी। मजाक सट के कह रहा हूँ, इसके बिना ये खत्म है भाई, बिल्कुल खत्म बंदा है भाई इसके बगैर। ओ भाई पढ़ते हैं भाई बिना किसी बच्चों के भाई अगले पड़ाव पर भाई। भाई साहब भाई यहाँ पे तो भाई इतने ज्यादा इसने भाई वो लगा रखे ना क्रिस्टल्स भाई अपनी पावर के लिए। भाई इतनी तो मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी भाई कि भाई ये इतने ज्यादा लगा सकता है। भाई पता नहीं भाई ये कहाँ से इतने ज्यादा कहाँ से लेके आ रहा है भाई। इतने तो सारे पूरे माइनक्राफ्ट में नहीं होंगे भाई जितने इसने भाई अपने वो लगा रखे हैं पावर के लिए। क्यों गाइस बता रहा हूँ ना सही बात भाई। हाँ एक बंदा मेरे को बताओ भाई ये क्रिस्टल बनता कैसे है? हैं मेरे को जरूर बताना ठीक है, ये क्रिस्टल बनता कैसे है? ये तो होगा क्रिएटिव, ठीक है मैं क्रिएटिव से उठाए जा रहा हूँ। अगर भाई मैंने इसको सर्वाइवल में बनाना हो तो कैसे बना सकता हूँ, समझ रहे हो? मेरे को नहीं पता, एक्चुअली में नहीं पता। तो जिस बंदे को भी पता हो ना भाई कृपया मेरे को जरूर बताना, क्योंकि भाई मैं ना बनाना चाहता हूँ ठीक है सर्वाइवल में, मेरे को लोड पड़ेगी। ओहो, मतलब जरूरत पड़ेगी जरूरत। हाँ एक बार और भाई, जहाँ हमारे पंजाबी बोलते हैं लोड, मतलब जरूरत को जहाँ बोलते हैं लोड, लोड मतलब जरूरत, मतलब कुछ और मतलब समझ लेना, लोड लोड मतलब जरूरत। ठीक है, जहाँ हमारे भाई ऐसे ही होता है, यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ समझ लो भाई, ये डिफरेंट सी मतलब ये भाषा है भाई, समझ रहे हो? बहुत ही ये लाहौरी तो मतलब पाकिस्तानी भी थोड़ी बहुत ही मिक्सचर है इसके में। ठीक है, पाकिस्तानी और भाई मिक्सचर है भाई पाकिस्तानी का और क्या कहते हैं यार, पाकिस्तानी का और पंजाबी का मिक्सचर है। ठीक है, तो जैसे देखो अगर मैं बोल रहा यहाँ पे तू किधर चल रहे हैं, भाई जो पाकिस्तानी होंगे ना उनको पता होगा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। तू किधर चले हैं, इतने आ यार, तू इधर ना चल, इधर ना चला जाए, ना चला जाए इधर, तू इधर आ जा, खतरा बढ़े ही उधर। हाँ ऐसी भाषा ना सिर्फ पाकिस्तानी वगैरह जहाँ मतलब भी पंजाब वाली समझ सकते हैं, जो हिंदी मतलब बोलते हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई हाँ भाई मैं अच्छी खासी लैंग्वेज बोल सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी बोल सकता हूँ और पंजाबी। हाँ तू कितने जा, तू कितने जा रहे हैं, तू इत्थे कदों आएगा,
ठीक है, तो इसमें अगर मैं पाकिस्तानी एक्सेंट मारूं, पाकिस्तानी एक्सेंट होता है, तो कहते चले यार इत्थे आ, ओ चल छड़ चल ली तू इत्थे आ, वो छड़ चल ली तू इधर आ जा। इसको बोलते हैं लाहौरी लैंग्वेज, लाहौर पाकिस्तान में है ना, हाँ, तो इसको लाहौरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो हिंदी भी मैं आपको पता ही है यार, हिंदी तो मैं ऑब्वियसली बोल ही लेता हूँ, तभी तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना मैं, हिंदी तो बोल ही लेता हूँ तभी, मतलब भी मैं हिंदी इतनी भी क्लियर नहीं होगी भाई मेरी, आई थिंक सो हिंदी मेरी क्लियर है गाइस, आप लोग बताओ हिंदी मेरी साफ है। अरे यार मैं अपने वर्ल्ड में भी आ गया भाई, जिस वर्ल्ड से साला निकला था इतनी मुश्किल से, वहीं साला फिर आ गया। हाँ भाई मेरे को बताना है समझो कि मेरी हिंदी ठीक है, इतनी भी भद्दी नहीं होगी यार मेरी हिंदी, है ना, ठीक ठाक तो होगी यार, है ना, क्यों क्यों गाइस, ठीक ठाक तो होगी। तो यस गाइस, तो हमें सारा दोबारा बनाना पड़ रहा है ये सारा का सारा, क्या कहते हैं इसे, भाई मैं ना क्यों भूल जाता हूँ भाई, इसे क्या बोलते हैं गाइस, हाँ मेरे को सीरियसली इसका नाम नहीं पता, एंड पोर्टल आ गया याद भाई, आ गया याद, इसको बोलते हैं एंड पोर्टल, सॉरी गाइस मैं भूल जाता हूँ यार, मैं ज़्यादा माइनक्राफ्ट नहीं खेलता, मैं ज़्यादा खेलता हूँ BGMI, समझो मैं ज़्यादा BGMI खेलता हूँ, मतलब भी कभी कभी, मतलब बहुत ही रेयर होगा कि मैं वो खेलने लग गया माइनक्राफ्ट, ज़्यादातर मैं BGMI खेलता हूँ, कभी कभी फ्री फायर भी खेल लेता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट यार मैं सारी गेमें ट्राई करता हूँ यार, मेरे को अलग अलग गेम्स ना ट्राई करने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं भाई एक ही गेम को खेल खेल कर मैं उसकी ऐसी तैसी फेर दूँ, नहीं आए मतलब भी अलग अलग गेम में मजा आता यार। कुछ लोग ना फ्री फायर और बीजा में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ना दो ही यार ना मतलब बेस्ट गेम्स हैं, और एक्चुअली में बेस्ट बेस्ट गेम्स हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों गेम हैं जो मतलब जो हमारा ई स्पोर्ट है ना, ई स्पोर्ट है उसको आगे लेके जाने के लिए, समझ रहे हो, जो मतलब भी लो एंड डिवाइसेस है ना वो उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए ना फ्री फायर भी है, समझ रहे हो, अगर मतलब कुछ होते हैं यार हाई एंड डिवाइस वाले वो कहते हैं यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, उनके लिए BGMI है, समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लो एंड डिवाइस के लिए फ्री फायर और हाई एंड डिवाइस के लिए BGMI है, ये नहीं कह रहा, बट हाँ ज़्यादातर मतलब भी ऐसे कह रहा हूँ कि जितने भी प्रकार के, जितने भी क्वांटिटी, मतलब जितने भी कैटेगरी के मतलब भी लोग हैं ना, उनको साथ बढ़कर आगे ई स्पोर्ट में लाने के लिए जो मतलब भी दो ही गेम जो हैं वो हैं पॉपुलर हैं, फ्री फायर और BGMI, जो दोनों गेमें ना बेस्ट है, दोनों गेमें बेस्ट हैं ई स्पोर्ट के लिए, क्योंकि इसमें ना अलग अलग मतलब सबसे ज़्यादा यार इसमें रूम्स वगैरह हैं, है ना, हम मतलब भी क्या कहते हैं बाहर वाले बंदे के साथ भी रूम लगा सकते हैं, मतलब भी बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। हाँ मैं ऐसे नहीं कह रहा भाई दोनों में कुछ अलग है, नहीं अलग वगैरह कुछ नहीं है, हाँ वो हो सकता है भाई कोई अपडेट ग्राफिक्स, मतलब भी कोई मैप लोकेशंस स्किन्स करेक्टर्स है ना, ऐसे वगैरह साउंड्स म्यूजिक भाई ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, बट बाकी सारा तो सेम ही है, 4v4 उधर होता है 4v4 उधर होता है, अगर आप रूम लगा रहे हो कस्टम लगा रहे हो 1v1 भी लगा सकते हो उसमें 1v1 लगा सकते हो, अगर 8v8 लगा सकते हो तो उसमें भी 8v8 लगा सकते हो, मैं आई थिंक सब पक्का नहीं पता, ठीक है, अगर आप मतलब भी क्लासिक बड़ा मैच लगा रहे हो उसमें भी 50 वाला आता है, इसमें भी 50 वाला आता है, पर हाँ उसमें एक और मतलब ऑप्शन नहीं है, मतलब हाँ ज़्यादातर उसमें फेमस है इरेंगल, समझ लो इरेंगल है, मतलब भी मैं ज़्यादातर इरेंगल ही खेलता हूँ, इरेंगल यार मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है पर्सनली, इरेंगल में यार मज़ा बहुत आता है, पता क्या है पचिंकी, पचिंकी में इतना मज़ा थोड़ा ठीक ठाक ही आता है, क्योंकि भाई पचिंकी में तो चारों तरफ ही साला गोली पड़ती है, एक घर में घुस जाओ छतों पे चढ़ के भाई इधर से एंगल बन जाता है, इस इधर से एंगल बन जाता है, कहीं से नेड़ आ रहा होता है, कहीं से भाई गोली पड़ रही होती है, समझ रहे हो, तो मैं प्रेफर करूँगा आपको जाने के लिए स्कूल की 3 स्टोरी, भाई भाई क्या है भाई वहाँ पे फाइट होता है, इतना मज़ा आता है ना गाइस वहाँ पे फाइट लेने में, मज़ा आ जाता है,
फ्री फायर में इतना ज़्यादा नहीं जानता, मतलब हाँ ये कह सकता हूँ वो भी बहुत ही बढ़िया गेम है। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खेलोगे ना भाई, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्री फायर में। अगर आप बीजीएमआई भी खेलोगे ना, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपके पास थोड़ा सा लो एंड डिवाइस है तो मतलब भी आप फ्री फायर खेल सकते हो। मैं फ्री फायर ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि लैग नहीं होती यार फ्री फायर ना, लैग नहीं होती मतलब भी ज़्यादा। अगर आप लो एंड डिवाइस में कहीं बीजीएमआई ट्राई करने की सोच रहे हो तो भाई भूल जाओ भाई, मतलब भी आपके अगर बाई चांस आप इवेंट इवेंट में चले गए, आपका फ़ोन ना फटने लायक हो जाएगा। मजाक सट के कह रहा हूँ भाई, बहुत ही लैग हो रही है यार, मजाक सट के। इन्होंने अपडेट बड़े बड़े दे दिए ना, जब से ज़्यादा लैग होने लग गई है, तभी तो कह रहा हूँ भाई, मतलब ही ना है फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा वो ना हाई एंड लेवल पे है यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक्चुअली में बीजीएमआई जो है हाई एंड लेवल पे है। वो अगर भाई आपके पास कोई लो एंड डिवाइस है, उसमें लैग करेगी, ऑब्वियसली लैग करेगी। अगर आप फ्री फायर खेल रहे हो तो भाई किस में भी खेल रहे हो भाई, वो इतनी लैग नहीं होगी। हाँ मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि भाई वो फ्रेम ड्रॉप हो सकते हैं, पर लैग नहीं करेगी भाई वो वाली गेम, मजाक सेट के कह रहा हूँ। इसी बात पे भाई मैं उसको मतलब भी प्लस पॉइंट देता हूँ, प्लस पॉइंट फ्री फायर को, कि भाई वो लैग नहीं करेगी भाई, झूठ नहीं बोल रहा, सीरियसली कह रहा हूँ, लैग नहीं करेगी कुछ हो जाए। ठीक है, अगर आप भाई मतलब भी ठीक ठाक डिवाइस में भी खेल रहे हो ना, अगर बीच है भाई साला, उसमें भी लैग करता है भाई, वो इसीलिए करता है यार, उसमें बंदे ज़्यादा होते हैं, 100 बंदे होते हैं, समझ रहे हो। एक ही इवेंट पे, एक ही लोकेशन पे जब 80 बंदे आते हैं ना, 80 80 बंदे, 80 में से मिला लो 30 बंदे एक इवेंट पर आते हैं ना, फट जाती है भाई फोन की, क्या बंदे की फट जाती है। तो चलो आए हो चुका था, एंजॉय मेक श्योर लाइक शुक्र मेरे यहाँ लो जो बाय बाय।